आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस समय राजनीति बड़ी अलग पटकथा पर चल रही है। वो पटकथा है हिंदू राष्ट्र की मांग। अमूमन हमारे देश में धार्मिक बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार चलता रहता है और हम देखते रहते हैं कि इस पूरी रणनीति पे ही चुनाव भी लगातार होते होते हैं। सरकार कुछ भी कहे, विपक्ष कुछ भी कहे, पर जनता भी जानती है कि इस समय देश में एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है। वो गरमाया हुआ है, वो है धार्मिक मुद्दा। धार्मिक मुद्दा कभी राम मंदिर और बाबरी का होता था, कभी ज्ञानवापी मस्जिद का होता था, कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का होता था, तो कभी इस समय जो मुद्दा चल रहा है वो रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर चल रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। खैर, समय समय पर तमाम तरह के बयान आते रहते हैं। अभी हाल में हमने देखा कि बागेश्वर धाम कि धीरेन कृष्ण शास्त्री जो लगातार चर्चा बने हुए हैं और अपने बयानों के चलते वो लगातार कई बार बोल चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की मोहर यहाँ पर लगनी चाहिए। खैर, राजनीतिक बयानबाजी और धार्मिक बयानबाजी में एक अंतर होता है कि धार्मिक बयानबाजी का सीधी डोर वो राजनीतिक हो जाती है, और फिलहाल जो देश में पटकथा चल रही है वो ऐसी ही चल रही है। अब इस राजनीतिक बयानबाजी कहें या धार्मिक बयानबाजी कहें, सबका उद्देश्य क्या है, सबकी जरूरत क्या है, जनता के इन मुद्दों से क्या जुड़ाव है और क्या जनता को वास्तव में इससे कोई मतलब है या नहीं है, या केवल जो हमारे राजनेता हैं वो अपनी अपनी गेंद अपने अपने पाले में डाल लेकर केवल एक व्यवस्था को बनाए हुए हैं। वो व्यवस्था है आरोप प्रत्यारोप की, वो व्यवस्था है चर्चा में रहने की, वो व्यवस्था है हमारे देश में तमाम मुद्दों से भटक कर अलग मुद्दों पर आने की। खैर, चर्चा लाजमी है क्योंकि तमाम तरह के बयान आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में एक दौरान कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द कोई मजहब संप्रदाय से नहीं आता, वह सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के प्रत्येक नागरिक पर फिट बैठती है। अगर भारत का कोई नागरिक कहीं भी जाता है तो उसको हिंदू से संबोधन किया जाता है, और इसमें कभी किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ना कोई मजहब है, ना संप्रदाय है, एक शब्द है और सांस्कृतिक शब्दावली है और जो हमारे देश को परिभाषित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके इस बयान पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आई। ओबीसी ने प्रतिक्रिया दी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी, और सपा के संभल सांसद सफीर वर्मा बर्क, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ना हिंदू राष्ट्र है, न था और ना रहेगा। आगे बढ़ के कहा कि नाम यहाँ पर रामराज्य था, ना है, ना रामराज्य होगा। खैर, सफीर वर्मा बर्क की बात करें तो वो समय समय पर तमाम तरह के बयान देते रहते हैं। तो अगर समर्थन की बात करें तो यहाँ पर धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी बयान दिए। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 को दो संप्रदायों में, दो मजहबों में बंटवारा हो गया था और उसी समय भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया था, बस संवैधानिक मोहर लगना बाकी है। तो तमाम तरह के बयानबाजी जारी है, और निश्चित रूप से चूंकि इस समय जो अगर साल 2023 की बात करें तो 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, कुछ राज्यों में हो रहे हैं, कुछ में बाकी हैं। अगर जम्मू कश्मीर चुनाव होंगे तो 10 राज्य में इस साल चुनाव हो जाएंगे, यानी 10 राज्यों में सरकारें बनेगी या लगातार परंपरा चलती रहेगी या बदल भी जाएंगी। खैर, वो जनता के जनाधार पर निर्भर करता है। पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगले साल आम चुनाव है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी इस साल है, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं या जो धार्मिक बयानबाजी का दौर है ये फिलहाल लगातार चलता चला आ रहा है। और हम देखेंगे तो भले ही पब्लिक या हमारी जनता इसमें दिलचस्पी ले ना ले, हमारे राजनेताओं को इसमें बहुत दिलचस्पी रास आ रही है। कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले, और इस अभियान
का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। ये पूरा देश है, भारत देश है, अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र न योगी की वजह से है और न इनकी वजह से रहेगा, वो तो जैसा हमेशा था वैसा रहा। हिंदू धर्म तो बहुत ही सहित धर्म है, वो ऐसा धर्म है जिसको सबको साथ लेके चलने वाला, ये तो धर्म में विकृति पैदा कर रहे हैं। हम सब हैं भाई भाई, सारे लोगों की समावेश से यह हिंदुस्तान बना है, इसलिए ये लोग सब भाजपा के वाले लोग हैं, इन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। भारत न हिंदू राष्ट्र था न है और न रहेगा, ये मेरा कहना। मैं इंशाल्लाह जब तक हिंदुस्तान में ही, अरे हिंदुस्तानी इस बात को कबूल नहीं करेगा पूरा, मुसलमान के तो कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान अपना जो उसका मजहब है अल्लाह का, वो मजहब अल्लाह का है, और कुरान शरीफ आसमानी किताब है, वो दुनिया की किताब नहीं है लिखी हुई। कह रहे हैं कि ऐसा भी है राम राज, हाँ। ना पहले था ना अब है ना आइंदा बनेगा। महत्वपूर्ण चर्चा वैसा है, जरूरत क्या है और बयानबाजी की अगर बात कहें तो फिलहाल देश में इसी तरह की परंपरा फिलहाल लगातार चलती चली आ रही है। मुद्दा कोई भी हो वो स्वतः ही धार्मिक हो जाता है। मैं मान जो जी का रूबरू करा दूं यहाँ पर, सपा हसन भाई भारतीय जनता पार्टी पर पक्ष रखेंगे, महादेव बाबा प्रवक्ता हिंदू महासभा से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव अपना पक्ष रखेंगे, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी पर पक्ष रखेंगे और सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो नेता भाजपा से रहेगा। सपर भाई, चुनाव आ गए हैं वो तो ठीक है, मुद्दे जरूरी हैं, पर जो बयानबाजी का दौर जारी है, क्या हम सबको आगे बढ़कर इस तरह की धार्मिक बयानबाजी पर रोक नहीं लगानी चाहिए और सब पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए कि जनता के मुद्दे उठाएं, जनता की जरूरत जो उठाएं, इस तरह की जरूरत क्या है? एक बात करता दूसरा उसका विरोध करता है, कोई समर्थन करता है कोई इस पर आरोप लगाता है, कैसे देखते हैं आप? गौरव जी जी और आपके चैनल पर सभी को मेरा नमस्कार जी। देखिए ये जो विषय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया जी कि ये हिंदू राष्ट्र है जी, ये आज पहली बार नहीं है। अच्छा, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो वो धर्म के आधार पर हुआ। अच्छा, पाकिस्तान बना, मुस्लिम ने जो आवाज उठाई हो जिन्ना ने, पाकिस्तान बना और अच्छा, भारत बना। लेकिन कुछ उस वक्त जो हमारे नेता थे जिनकी वजह से ये गलतियां हुई, अच्छा, और उन्होंने ये कहा कि अपनी स्वेच्छा से जो जाना चाहे वो चला जाए, अच्छा, और जिसको यहाँ रहना हो भारत के अंदर वो यहाँ रह सकता है। अच्छा, ये कुछ कमियां रही क्योंकि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो बंटवारा, ये मैं नहीं कहूंगा कि धर्म के आधार पर उस समय का बंटवारा जो है वो सही नहीं हुआ। अच्छा ठीक, योगी जी ने जो आज कहा ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे कहा कि व्यवस्था परिवर्तन पर विश्वास रखती है। अच्छा, क्योंकि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र के होते हुए यहाँ पर बाबर ने आक्रमण किया। अच्छा, और भारत पर केवल बाबर ही आए थे क्या, अंग्रेज नहीं आए थे, फ्रांसीसी नहीं आए थे? तो बाद में आए थे ना, मैं बता रहा हूँ, बाबर ने आक्रमण किया। अच्छा, एक आप उसको भी कह देंगे एक मुसलमान था, उसने आक्रमणकारी था, उसने भारत पर आक्रमण किया और 800 साल यहाँ पर हुकूमत की। अच्छा, उसके बाद अंग्रेजों ने की, जो हमारे नेता नहीं कहूंगा, ये कि सांप्रदायिक आदमी है ये शफीकुर रहमान बर्क, क्योंकि ये हमेशा ऐसे काम करता है जिससे नफरत फैलाने का काम हो। अच्छा, कभी वंदे मातरम पे ये सदन छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसे आदमियों के बात का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, तो आप देखिए कि जब जो है, मैं क्या कहना चाह रहा था, तो ये जो है जब बंटवारा हुआ
तो धर्म के आधार पर हुआ, तो हिंदू और मुस्लिम के उस पर हुआ। तो जो जो इन्होंने जो बयान दिया शफीकुर रहमान बर्क साहब ने, उन्होंने कहा कि ये भारत जो है वो भारत है और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं। इनको ये मानना चाहिए कि ये भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। अच्छा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था परिवर्तन पर विश्वास करती है और इसी की तर्ज पर आगे बढ़ेगी। और मैं ये कहूंगा, दूसरी चीज मैंने क्या बताया, दूसरी चीज पहले सुन लीजिए, मेरा पूरी बात हो जाए, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। बोलिए। ये जो हिंदू शब्द है, इसको कहते थे हिंद, ये दुर्भाग्य है कि कोई आया तो उसने इंडिया कर दिया, कोई आया तो उसने भारत कर दिया। भारत का जो असली नाम था वो हिंद था। अच्छा, तो ये भौगोलिक नाम है। जो भारत में हिंद में रहेगा उसको हिंदू कहा जाता है, जो अरब में रहेगा उसको अरबी कहा जाता है, अगर इंग्लैंड में रहेगा तो उसको अंग्रेज कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में रहेगा तो ऑस्ट्रेलियन कहा जाएगा, अफगानिस्तान के रहने वालों को अफगानी कहा जाता है, बांग्लादेश में रहने वालों को बांग्लादेशी कहा जाता है, पाकिस्तान में जो रहता है उसको पाकिस्तानी कहा जाता है। अच्छा। तो ये जो है ये एक भ्रम फैलाने का, और चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसलिए इसको विवाद को बढ़ाना कि हिंदू राष्ट्र। आपको मैं बता दूं कि हिंदू राष्ट्र अगर होगा तो क्या मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा? इस बात को हमें, अरे मुख्यमंत्री स्वयं कहा है कि हिंदू शब्द किसी संप्रदाय को परिभाषित नहीं करता, एक सांस्कृतिक शब्दावली है और भारत के प्रत्येक नागरिक पर फिट बैठती है। हाँ, तो सही कहा उन्होंने, क्या गलत कहा? अच्छा, उन्होंने क्या गलत कहा? भारत में हिंद, मैं भारत नहीं कहूँ, मैं तो कहूंगा हिंद में जो रह रहा है। अच्छा। वो हिंदू, हर व्यक्ति हिंदू कहलाएगा। अच्छा। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो हिंदू ही कहलाएगा। अच्छा। विदेश में आप जाएंगे आपको हिंदू के नाम से ही जाना जाएगा। अच्छा। कि आप हिंद से आए हैं। अच्छा। ये भारत और ये इंडिया जो नाम रखा गया, ये हमारे भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए रखा गया। अच्छा। ये इस चीज को खत्म करना है। किसके नाम पे पड़ा पता आपको? देखिए, भारत किसी के नाम पर पड़ा हो, सबसे पहला जो नाम था, देखिए सनातन धर्म है यहाँ पर, जो सबसे पुराना धर्म है सनातन है, जो यहाँ की पूजा पद्धति है वो सनातनी है, वो सनातनी है। और जो हिंद है उसका नाम, जो इस देश का जो नाम है वो हिंद है, उसको हमें ला करके सामने रखना होगा कि हिंद में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, किसी भी जाति धर्म का हो, वो हिंदू कहलाएगा। अच्छा, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है उसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं, और जो शफीकुर रहमान वर्क ने जो बात कही उसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं, विरोध करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी विरोध कर रहे थे, ये सब नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अच्छा। इनका काम ही यही है कि देश के अंदर नफरत फैलाना, नफरती बातें करना। मैं इन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि जब अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का किया, मक्का को फतेह किया, तो उन्होंने क्या ये घोषणा कर दी थी कि इस देश में जो हिंदू रह रहे हैं, मूर्ति पूजा वाले लोग रह रहे हैं, या किसी भी धर्म के लोग रह रहे हैं, वो मक्का छोड़ दें? अच्छा, क्या ये घोषणा की थी? उन्होंने कहा था आज किसी से कोई बदला नहीं रह जाएगा, जो जहां रह रहा है वो उसी तरह रहेगा और अपने धर्म के हिसाब से रहेगा। अच्छा, ठीक है। आज मुसलमान अपने रास्ते को से भटक चुका है, उसको सिर्फ यही दिखाई देता है कि नफरत फैलाना और नफरती बातें करना। अभी आपने देखा कि लखनऊ के अंदर पसनल्ला बोर्ड का जो दो दिवसीय जो इनका सेमिनार हुआ था, उसमें उन्होंने जो प्रस्ताव जारी किया उसमें वो कह रहे हैं कि भारत हिंदुस्तान के अंदर जो है वो नफरत का जहर घोला जा रहा है। अच्छा। आप अल्लाह के रसूल के जो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए थे, आप इस तरह का वक्त आप दे रहे हैं अपनी बैठक में? आप क्या कर रहे हैं? अगर नफरत का जहर घुल रहा है तो उसको खत्म करने के लिए आप कौन सा कदम उठा रहे हैं? आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप उस अपने प्रस्ताव में आप कह रहे हैं कि आपको अल्लाह ने पैदा किया है और आपको अल्लाह के लिए लड़ना है। अच्छा। आप जिहाद का, आप सीधा सीधा जिहाद के लिए आप ठीक है। बाकी मेहमान भी है। नितिन सिंह यादव, आप सपारिशन की बात पर मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराहट की वजह क्या है और जो ये मुद्दा आज का है चर्चा का, इसमें क्या राय है आपकी? भाई जो है हमारा ही वक्तव्य है, तो पिछली डिबेट में मैंने इनको ज्ञान दिया था, यार वही दोहरा रहे थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि इनको सद्बुद्धि आ गई। अच्छा अच्छा, ये हाँ, ये जो पिछली डिबेट में मैंने इनको डांट के बोला था, हाँ। आज इन्होंने उसको रिपीट किया, इसलिए मैं हंसी आ रही थी। अच्छा। इसलिए कुछ तो सद्बुद्धि आ गई। चलिए ठीक है, खैर ये डिबेट का पार्ट नहीं है। धन्यवाद गौरव जी। जी बात देखिए, अभी आप लोगों से मुझे एक शिकायत जी कि आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों को अपने तरीके से तोड़ क्यों देते हो? जी आपने जो अभी सुनाया था मुझे डिबेट, जी माननीय मुख्यमंत्री जी की रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट सुना रहे थे, उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी हिंदू शब्द नहीं बोला। नहीं नहीं, वो एक मीडिया हाउस का बयान है, ये तो बयान उनका पुराना बयान है, जो मीडिया हाउस में उन्होंने बयान दिया है, कल बयान दिया। वो अलग बयान है, वो एक कार्यक्रम था मीडिया हाउस का, उसमें उन्होंने बात कही। जी नहीं, अभी जो मैंने बाइट चली है, जी हाँ, तो वो बाइट उसमें ने कहा सनातन धर्म भारत का राष्ट्र धर्म। जी ठीक, एक तो दो चीजें क्लियर कर दे, मैं आज तक अभी तक कंफ्यूज हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, मैं अभी पूछे लेता हूँ आपके माध्यम से डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले, कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को मानती है कि हिंदू धर्म को मानती है? अच्छा,
ये अभी पूछ लीजिए भारतीय जनता प्रवक्ता से, तब मैं आगे बढ़ू जी। बता एक ही लाइन में बता देंगे, सनातन धर्म को मानते हो कि हिंदू को मानते हो, आप किस धर्म में पैदा हुए लीजिए। अरे यार जब आप चाहिए जवाब दीजिए ना। हाँ नाम बोल, आप धर्म को मानते हो, किस धर्म में पैदा हुए जी, आप किस धर्म में पैदा हुए इसका जवाब दे दीजिए, वही जवाब होगा हमारा। लीजिए बता लीजिए मिथुन भाई, वही जवाब होगा। मिथुन भाई आप किस धर्म में पैदा हुए, आप किस धर्म को मानने वाले? डिबेट लगता मुझे बढ़ेगी नहीं। नहीं नहीं डिबेट बढ़ेगी और बहुत अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि आपने जो सवाल किया है, आपने जो सवाल किया, मुझे लग रहा है कि आपको हमसे कुछ सीखना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मैं इस्लाम में पैदा हुआ हूँ, उसका मानने वाला हूँ, इसलिए मैं मुसलमान हूँ। अच्छा जवाब दे दीजिए ना सवाल भाई, क्या जवाब दीजिए, आप किस धर्म में पैदा हुए बताओ। गौरव भाई मुझे भारतीय जनता पार्टी से डिबेट करवा रहे हो, आपको बड़े शर्म, मुझे बड़ा शर्म महसूस हो रही है कि आपको कहना पड़ रहा है कि मैं कौन से धर्म में पैदा हुआ। आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं, बीजेपी का पक्ष पूछ रहा है भाई, आपको पक्ष तो मैं बता तो रहा हूँ, ये जवाब दे दे, आप किस धर्म में पैदा हुए। अच्छा वो मैं सनातनी से पूछ रहा हूँ, नितेंद्र जी एक सनातनी मैं पूछ रहा हूँ, आप किस धर्म में पैदा हुआ। बता दिया उन्हें, सनातन धर्म में पैदा हुआ, सनातन धर्म में सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, बस सनातन धर्म देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारत हिंद में रहने वाला हिंदू है चाहे वह कोई भी हो, साफ हो गया। बोल दिया ना सनातन धर्म, बोल दिया आपको, ताली बजाता हूँ मैं कि आपने अपने आप को स्वीकार किया कि आप सनातनी हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, अभी पूरी करिए नितिन भाई जी, बोलिए। देखिए कि मैं लेकिन क्लियर कर दूं कि ये जो जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं और जिस तरीके की इन्होंने लंबी लंबी भाषा बोली, मैं उस पर बहुत जाना नहीं चाहता। जी, बोली, बोली। जिसको इन्होंने कहा कि हिंद और हिंद का लंबी स्पीच दे दी, हालांकि इनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इन्हें नहीं बोलना चाहिए था। देखिये ये हमारे यहाँ जो आजकल शुरुआत में जब हम लोग स्तुत करते हैं कोई चीज की, तो वहां बार बार कोई मास्ता नाम मास्तो अमुक नाम नहाम आर्यावर्ते जम्बू दीपे भरत खंडे, ये पूरी प्रक्रिया में श्लोक को बोला जाता है। तो वो क्या बोलते हैं, कलयुग प्रथम चरण जम्बू दीपे भरत खंडे अरे अवर्ते मासाना मासो बुद्ध अवतारे प्रदेश, मतलब जहां बुद्ध की धरती को इसको प्रणाम किया जाता है। ये धरती एक तो पहले चीज, ये हिंद कभी न थी न है न होगी, ठीक। ये धरती आर्यावर्त थी, भारतवर्ष थी, जम्बू द्वीप थी, ठीक है। इसके बाद में इस धरती पर 900 वर्ष पूर्व पारसी लोग आए और उन्होंने जब सिंधु घाटी को पार किया और इस देश पे प्रवेश किया तो इस देश को उन्होंने सिंधु क्षेत्र कहा, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता से जाना जाने वाला क्षेत्र था। जब इसको सिंधु क्षेत्र कहा, क्योंकि उनकी शब्दावली में सा शब्द साइलेंस है, तो सा को हा बोलते हैं, उन्होंने सिंधु को हिंदू क्षेत्र कहा और इस पूरे प्रदेश का नाम उन्होंने रखा, जब देश में आक्रमण करके आया, राज्य किया, इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान। यहाँ की संपूर्ण आबादी को उन्होंने हिंदू कहा, इस बात से मैं सहमत हूँ। इसी बात को आगे इन्होंने हमारे साथी ने बढ़ाया कि पाकिस्तान पाकिस्तानी, अफगान का अफगानी, नेपाल का नेपाली, जापान के जापानी, ऐसे इस पूरी संपूर्ण जनता को, यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको इन्होंने हिंदू कहा, जिसको उनके यहाँ बाद में इन्होंने उसको चोर काफी काला लुटेरा संबोधित करते थे। एक बार उसके 800 वर्षों बाद इस देश में एक दूसरे लोग आ गए, अंग्रेज जिनको हम लोगों ने कहा, वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से देश में आए, मुगल भी आए भाई साहब के बहाने, मुगल भी आए, सब आक्रमणकारी, वो सब बताएंगे, सब बताएंगे, वो सब बताएंगे, पहले मुगल आक्रमणकारी भाई, सब बताएंगे, वो सब बताएंगे, बार-बार सब बताएंगे, बोले अंग्रेज भाई, सबाग भाई पहले राउंड पूरा बोले, कम से कम सभ्यता तो सीख लो, पहले राउंड में टूकते हो सबाग भाई, हमने कहा बता दे आपको मुगल, सब बताएंगे आपको, सब सुनिए, अरे मैं बताऊंगा मुगल और मुसलमान क्या होते, मैं सब बताऊंगा आपको, पूरी करिए, मैं सुन रहा हूँ, सब सुन रहे हैं, जानकारी बोली 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 बोली, ठीक है। तो उसके बाद जब इस देश में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इस देश में पूरा एक व्यापार किया और व्यापार के बाद वो कंपनी सरकार बन गई, तो उन्होंने इस देश का फिर नामकरण किया। अच्छा। उन्होंने भी रिसर्च किया कि आखिर इस देश का नाम हिंदुस्तान कैसे रखा गया, क्योंकि अच्छा। वो तो आर्यावर्त भरतखंड को लेकर के आए थे, तो उन्होंने सर्च किया कि ये इस देश को नाम इन्होंने सिंधु घाटी को ऐसे रखा है। अच्छा। तो सिंधु घाटी को चूंकि अंग्रेजी में इंडस वैली बोलते हैं, तो उसे सिंधु घाटी की वजह से इस देश का जो इंडस वैली का ग्रीक वर्ड इंडिया था, तो उन्होंने इस देश का नाम हिंदुस्तान चुकी रहा, उसको उन्होंने इंडिया कर दिया इंडिया और उन्होंने इस देश की राष्ट्रीयता को इंडियन बता दिया। हम सब तब इंडियन हो गए और वो तब भी हमको गाली देते थे, ब्लड इंडियन बोलने लगे। इसके बाद इस देश का
की आजादी की मुक्ति के आंदोलन को। और यह देश 1947 में जब आजाद हुआ उसी दौर में दो हिस्सों में बट भी गया, एक देश चला गया जो पाकिस्तान बन गया, एक देश बन गया भारत। अब स्वतंत्रता के बाद संविधान में इस देश का नाम रखा गया भारत। अब ये ना तो हिंद था, न हिंदुस्तान था, न ये इंडिया रहा, ठीक है। अब ये स्वतंत्रता के बाद दो राष्ट्र हो गए, एक राष्ट्र हो गया पाकिस्तान, एक राष्ट्र हो गया हिंदुस्तान, ये भारत। अब भारत के अंदर हम भारतीय हो गए, जो 1947 के बाद से जिसने जन्म लिया वो जन्म के आधार पर इस देश का नागरिक हो गया, वो सब भारतीय हो गए, हमारी राष्ट्रीयता भारतीय हो गई। हमारे संविधान में चूंकि प्रस्तावना में इस बात को लिख दिया गया है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या देंगे, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। अब ये बात साफ हो गई। अब यहाँ जब राष्ट्र की एकता अखंडता की बात है, सबको समता के अवसर की बात है, विश्वास की बात है, अभिव्यक्ति की बात है, धर्म की बात है, उपासना की बात है, तो अब जब कोई व्यक्ति जब धर्म के किसी संवैधानिक पद पे बैठ करके इस तरीके की बातें करता है तो लगता है कि वो व्यक्ति या तो अपने पद की गरिमा को नहीं जान रहा है। अच्छा। क्या भारत भारत अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा। ये देश जो भारत है, क्या भारत कहने में हमें शर्म आती है क्या? अच्छा। स्वतंत्रता के बाद हम गर्व से कह रहे हैं कि हम भारत है, ठीक। इसमें किसको अपमानित होता है, किसको शर्म आती है कि शर्म करो कि हम भारतीय हैं, शर्म से कहो कि हम हिंदू। भाई इस बात को गर्व करने में क्या दिक्कत होती है? हम भारत हैं और भारत के संविधान के तहत भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, उस भारत के अंदर तमाम सारे प्रांत हैं, उसी में से उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब अगर हम इस बात को ये कहें, अब थोड़ी देर के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से आते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी जब पढ़ते थे, इनके पिताजी चूंकि फॉरेस्ट रेंजर थे, तो इनके जो दोस्त थे बचपन के, आज चूंकि वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको अदरवाइज कोई नहीं लेगा, कि इनकी एक महिला मित्र है जो मेरी भी मित्र, महिला मित्र से अलग मतलब मत निकालिएगा, कॉलेज में पढ़ने वाली इनकी सहेली थी, जो जब ये चुनाव लड़े थे तो 126 वोट पाए थे, तो रो रहे थे, तो उन्होंने इनके आंसू पोंछे थे। तो वो मुझे एक बात बता रही थी कि इनके पिताजी फॉरेस्ट रेंजर थे, तो बच्चे इनको छिड़ाते थे जंगली। तो अब ये अगर आज ये मुख्यमंत्री हैं, तो गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ नाम है। अगर कोई ये कहे कि गर्व से कहो हम जंगली हैं और हम जंगली थे, जंगली रहेंगे, तो ये बात अच्छी नहीं लगती है। अच्छा। तो हम भारतीय हैं, हिंदू राष्ट्र, देश का नाम तो भारत से है, और इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। अच्छा। तो क्यों हिंदू हिंदुस्तान जो गुलामी के शब्दों क्यों याद रख कर रहे हो? मुगल आए थे और मंगोल, हम बताते हैं मुगल कौन थे, मंगोल कौन थे, इस्लाम कौन था। इन्होंने पिछली डिबेट में एक बार मुझसे सवाल भी किया था, जब मैं जवाब नहीं दे पा था टाइम के अभाव पर। अब सुनिए, मुगल क्या थे? मुगल एक वंश है और इस्लाम को मानने वाले लोगों को मुसलमान कहते हैं। अच्छा। सभी मुगल मुसलमान थे, लेकिन सभी मुसलमान मुगल नहीं होते, समझ में ना आया हो तो नोट कर लीजिएगा, डायरी तुम्हारा ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। इसलिए मुगल अलग थे जी। वो एक वंश है, एक परिवार था जी। वो मुसलमान थे, लेकिन सभी मुसलमान मुगल नहीं हो सकते। मुगल चूंकि मुसलमान थे, ये बात ठीक है। मुगल एक वंश है, तुगलक एक वंश है, और बहुत सारे वंश हुए, उसमें बाबर और तमाम लोगों के नाम लेते चले जाओ, मौर्य वंश आगे तमाम लोगों के वंश, तो मंगोल बहुत सारे हुए हैं। ये तो ये बात है कि ये देश, मैं इस बात से सहमत हूँ, आज की डेट पर यह देश भारत है, भारत ही रहेगा। आपको हिंदू कहलाने तकलीफ है, भारतीय कहलाने कोई दिक्कत नहीं है। मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतीय हूं। अच्छा। और मेरा धर्म सनातन है, एक बात, मुझे हिंदू शब्द से कोई नफरत नहीं है। हिंदू चूंकि ना तो सांस्कृतिक शब्द है, ना ये धार्मिक शब्द है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक जजमेंट में कह चुका है कि ना तो ये हिंदू धर्म है, ना एक संस्कृति। तो ये लोग, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जैसे प्योर राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ना तो ये संविधान को मानते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, और ना ये आरएसएस का एक झूठा एजेंडा था। आरएसएस समय समय पर रिसर्च करता है, ऐसे झूठे पाखंड फैलाता है, और ये अपनी टेक्निक प्रैक्टिस करता है कि हम कितना सफल हुए। जैसे उनका गणेश जी दूध पी गए, तो पूरे देश के लोगों को गणेश जी से दूध पिलवा दिया। क्या गणेश जी दूध पीते हैं, सब जानते हो। ऐसे इन्होंने गर्व से कहो हम हिंदू हैं, एक स्टिकर इन्होंने चलाया 2005-7 सालों पहले, और इसके बाद पूरे देश में एक माहौल बना दिया, हिंदू हिंदू हिंदू। मैं गर्व,
मैं गर्व से नहीं, मैं शर्म से कहता हूं कि हम हिंदू थे क्योंकि हम मुगलों के मंगोलों के गुलाम रहे हैं। हम इंडियन थे क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। मेरे लिए शर्म का विषय है, मेरे लिए फख्र का विषय यह है कि मैं स्वतंत्र भारत में पैदा हूं, मैं भारतीय हूं, मेरा धर्म सनातन है। ये कहता है अयम निजा वेद गणना लघु तेषाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। हमारी पूरी पृथ्वी हमारी वसुधा है, यहाँ के रहने वाले दुनिया के सारे लोग ये हमारे भाई बहन है। हम मानवता का पाठ भारत हमेशा पढ़ाता रहा, इसीलिए विश्व गुरु है। तो ये जो भारत हमेशा विश्व गुरु हो सकता है भाई, हिंदू राष्ट्र भाई, ये जितने ये हिंदू महासभा और हिंदू संगठन बनाए हैं तो सबको सनातन कर देना चाहिए, भारतीय संगठन कर देना चाहिए। पहली चीज ये क्यों होने चाहिए ये बताइए जी, ये संगठन क्यों होने चाहिए? ये निजी दुकानें हैं, धर्म का नाश गौरव जी इसी बात पर हुआ है, क्योंकि ये अपनी अपनी दुकानें खोलकर मत पैदा करते हैं। अब इस पर एक बात मैं कह देना चाहता हूँ आज तुलसीदास जी, चूंकि इधर बड़ा चर्चा इसीलिए बुलाया है। बोलिए बोलिए, भगवा पहन के क्यों आए नितिन जी? बोलिए बोलिए, ये सारा भगवा क्यों पहने ले रखा है? इस बेवकूफ आदमी को कहाँ बुला रखा है नितिन जी? आप किसको भगवा क्यों पहन के आए? रेड कलर भगवान नहीं बोल रहा है, ये कह रहा रेड कलर भगवान नहीं है। क्रांति की बदलाव सुनी तामी समाज में इंद्र भाई भाई माने बाबा बोल रहे हैं। अरे छोड़िए, पहले बोलिए, ऋग्वेद में आता है हिंसते दुष्टवे अनेमित हिंदू। अच्छा, इनको किसी ने पढ़ा दिया कि सिंध से हिंदू बन गए और ये लड्डू लेके घूम रहे हैं? कभी ऋग्वेद पढ़ा है? कहीं नहीं आया है। अच्छा, ऋग्वेद कभी पढ़े नहीं है। और अभी आप बात चुप रहिए, अभी आप सिर्फ सुनिए। आप प्रश्नों आप बहुत सारे बकवास कर चुके हैं, आप उत्तर सुनिए पहले। सुना लीजिए, ऋग्वेद में आता है हिंसते दुष्टवे अनेमित हिंदू। 1947 में यह देश विभाजित हुआ धर्म और जाति के नाम पे। ठीक, उनको दो देश मिले, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दो इस्लामिक राष्ट्र हुए। हाँ। और जब उनको इस्लामिक राष्ट्र मिले तो यह देश हिंदुस्तान हुआ, भारत हुआ और हिंदू का राष्ट्र हुआ, हिंदू राष्ट्र हुआ। लेकिन कांग्रेस के षड्यंत्रों के द्वारा अच्छा। इस देश को छला गया, हिंदुओं को छला गया, मूर्ख बनाया गया। अच्छा। और आर्यावर्त, चाहे आर्यावर्त कह लीजिए, चाहे भारतवर्ष कह लीजिए, चाहे भारतीय कह लीजिए, चाहे हिंदुस्तान कह लीजिए, वो एक ही है। और एक बात यह है कि अभी बार बार ये कह रहे थे कि जो है ये भारत भारतवर्ष है। अगर आप भारतवर्ष कहें आप, तो भारतवर्ष का मतलब आप जानते हैं? गीता में एक शब्द आया है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। भारत का मतलब होता है भा यानी कि प्रकाश, और रत मतलब जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हो वो है भारतीय। अच्छा, और इसलिए जो भी ईश्वर का ध्यान करता वो भारतीय है, ना कि सब भारतीय है। दूसरी बात ये है, जब इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन हुआ तो सबको कैसे धर्मशाला बना दें? आज हिंदुओं के लिए यही अभिशाप बन गया। पाकिस्तान में हिंदू गायब, बांग्लादेश में हिंदू गायब, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो 3 करोड़ मुसलमान थे आज 33 करोड़ मुसलमान हो गए। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर सहिष्णुता होता गया और हम सहते गए और उसका खामियाजा भुगतते रहे। धारा 30 से 1951 धर्मदान है, और उसके पश्चात एक से एक ऐसे षड्यंत्र, मुस्लिम वक्फ बोर्ड यहाँ बना, लेकिन हाँ। हिंदू वक्फ बोर्ड कहीं नहीं है। अच्छा। अब एक बात और है, एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया हाँ। कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अच्छा। अभी इनके इस्लामिक एक स्कॉलर हुए हैं जाकिर नायक। अच्छा। उन्होंने एक बात कही है हाँ। कि कुरान कहता है कि जहां भी तुम काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। अब मैंने कहा कि अगर ये बात कहा है कि काफिरों का कत्ल करो हाँ। तो ये कौन सी संवैधानिक बात है और कौन सा इससे प्रेम बढ़ रहा है? अच्छा। इसलिए इसका ये बिल्कुल बहुत झूठ फैलाया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में अच्छा। बैर करना। अच्छा। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। अभी थोड़ी देर पहले एक बात कह रहे थे कि कुरान आसमानी किताब है हाँ। कुरान कोई आसमानी किताब नहीं है। क्यों? एक नंबर का अवैज्ञानिक किताब है कुरान। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि की पृथ्वी एक जगह स्थिर है और तू उसका चक्कर ले रहा है किसी धर्म पे। लेकिन एक मुद्दे पर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि आसमानी किताब है, लेकिन उसी आसमानी किताब में उन्होंने किसी भी धर्म की पुस्तकों पर यहाँ पर कटाक्ष नहीं किए। धर्म की पुस्तक कटाक्ष मत करिए, मुद्दे पर आइए। पृथ्वी ने 29 ऐसी आयतें निकाली जो हिंदुओं के खिलाफ है, जो सनातन धर्म के खिलाफ हैं। अच्छा। और जो आतंकवाद फैलाती हैं। अच्छा। इसलिए इस बात से तो हमारा बहुत बड़ा एक प्रश्न है। दूसरी एक बात यह है जी। बड़ी विचित्र बात हाँ। कि ये बार बार ये कहते हैं हाँ। कुरान आसमानी किताब है। जब मोहम्मद साहब चले गए तो उनके नवासों को अली
उनको कत्ल किया गया वो नहीं सुनिए आज हिंदुस्तान उसमें मुद्दे पे है तो उसमें उनको कत्ल करने वाले मुसलमान थे, अच्छा कोई हिंदू नहीं था वहां पे। और कुरान में इतनी सारी बातें हैं कि अल्लाह ताला रोज शाम को सूर्य को कीचड़ में डुबो देता है, तो इसलिए अब एक बात बता दें, अब इनको इनको 1947 में एक अलग देश चाहिए था और उनको मिला और पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक चल, तो अब लिहाजा उसी अनुसार से नियमतः ये देश भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। अच्छा। और जो आदि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है। अच्छा। मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ और यह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा। और हिंदू राष्ट्र ही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई रोक सके, कोई इस किसी माइकलाल में दम नहीं है, चाहे 770 लोग इसमें आ जाए, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ के बात का समर्थन करता हूँ और किसी भी संविधान में अगर कांग्रेस ने कोई षड्यंत्र बोया है अब उसे बदलने का समय आ गया है, क्योंकि ये पूर्ण हिंदू राष्ट्र और हिंदू संगठनों की मांग है और यही सच है। ठीक है प्रवक्ता, आप सैयद मोहम्मद तकी आपके पास आ रहे हैं। तकी भाई क्यों मुस्कुरा रहे भैया? अगर बाबा हंसने दीजिए, वो हंसने की बात है, हंसे अच्छी बात है। सैयद मोहम्मद तकी आप कह रहे हैं तो हंसेंगे ही हंसेंगे। बोलिए बोलिए तकी भाई बोलिए। देखिए मैं देख रहा हूँ किस तरह का ज्ञानता का भंडार फूट रहा है और लोगों को तथ्यों के बारे में मालूमात नहीं है, बोलते चले जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ ये और बोले ताकि इनकी अज्ञानता और बाहर छलके और लोगों को समझ में आए। अच्छा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की ने जो बातें कही वो बातें दोबारा बोल चुके हैं। साधना रखिए, साधना का परिचय दीजिए, साधु मतलब साधना रखना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना, अपने ऊपर नियंत्रण का मुझे साथ। आप नियंत्रण की बात ना करें तो अच्छा है। माने बाबा, माने बाबा उनका टर्न बोल है, माने बाबा उनका टर्न बोल दीजिए, बोलिए माने बाबा की बोलिए। ये भी अपना, ये भी अपना ये बोलते ना है, ज्यादा हंसने से व्यक्ति दूसरा सिद्ध हो जाता है ना। भारत में हंसने वाले बहुत सारे लोग होते हैं कि अलग से जाती है, आप सीरियस तो बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जी बोले। तो जिसका दिमाग सही हंसी आती है उसको, अच्छा और हंसी सकता हो, क्या कर सकता हो। अच्छा। इसके अलावा जी बोले, देखिए इन्होंने कहा, अभी इन्होंने कहा इस्लाम के बारे में, इन्होंने काफिर की बात की, हालांकि मैं इस्लामी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल नजरिस्ट हूँ, पॉलिटिकल पर्सन हूँ पार्टी का, लेकिन उन्होंने जो तथ्य रखे वो तथ्य बिल्कुल सही नहीं है। इनको और इस्लाम को पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा इस्लाम को आप पढ़ ले समझ ले उसके बाद बोले, क्योंकि इस तरह के किसी को भी अधिकार नहीं कि अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा ना बोले, अगर आपको सिख धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो पहले ज्ञान अर्जित कर ले उसके बाद बोले। अच्छा। इस तरह के बचकाने बयान जो है खोखला पर अंदर कमी है। भारत हिंदू राज कभी रहा ही नहीं, जब भारत के अंदर 1400 साल पहले मुसलमान इस्लाम आया था, उससे पहले भारत में बहुत पुराना इतिहास है, सबकी नई नई बात आ रही है। मराठा साम्राज्य था, अच्छा चोला साम्राज्य, चोला मंडल था, गुप्ता हाँ, साम्राज्य था, अच्छा और यहाँ पे मौर्यों का साम्राज्य था, तो जब मौर्यों का साम्राज्य था तो उस पर हिंदू राज नहीं था, और यहाँ किसी ने हिंदू महाराष्ट्र हो गया था, कभी स्टेशन नहीं है। अच्छा मारे बाबा प्लीज प्लीज बोलिए। अरे भाई, अरे भाई मारे बाबा प्लीज, मारे बाबा आप रुक जाए दो मिनट, किसी का हिंदू राज नाम नहीं था जी, सबका मौर्य राज था, चोला मंडल राज था, गुप्ताज रहे, लेकिन वहाँ किसी ने हिंदू राज का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा दूसरी बात यह है कि जी, ये जो कह रहे हैं कि ये भारत के हैं तो 1500 साल पहले भारत पे आर्यन आए थे। अच्छा। ये कह रहे थे कभी आपकी भाजपा प्रत्येक कह रहे थे कि मुसलमानों ने पहला आक्रमण किया है। अच्छा। तो मुसलमानों से पहले सिकंदर आए थे, सिकंदर मुसलमान नहीं थे, उससे पहले आर्यन 1500 साल पहले आए थे जी, उससे पहले ईसा मसीह से 1500 साल पहले आर्यन ने भारत के ऊपर अटैक किया था, भारत के अंदर आए थे और उन्होंने यहाँ पे काम किया था जी, तो भारत का इतिहास तो बहुत पुराना है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं लगता है उनके अंदर इतिहास धर्म ठीक से पढ़ा है, बचकाने बयान टीवी पे, प्राइम टीवी पे देके देश का
समय देश की एकाग्रता, देश की जो परिपक्वता और देश देश की जो प्रायोरिटीज उसको जगह पर रखकर चल रहा है जी। बोलिए, आज की डेट में बात है गौरव जी, अभी इतनी बड़ी ग्लोबल यूनिवर्सिटी समिट हुई। अच्छा, अरे समिट पर आप देखा, तीन चार दिन लगाया, G20 देश है, बहुत से देश आए। अब उसके ऊपर मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूँ अगर इतनी बड़ी ग्लोबल समिट हुई है तो अनिल जोगीनाथ जी को उसकी उपलब्धियां बतानी चाहिए। अच्छा, उसपे बात करने कुछ है नहीं। अच्छा, और लगातार योगी जी की सरकार फेल होती जा रही है हर मामले पे, यहाँ लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा, देखा कानपुर जी, जी जी अरे भाई, यहाँ पाकिस्तान पाकिस्तान के मूल्यों की बात नहीं हो रही हमारे बाबू। बोले जल्दी बोलिए, ताकि भाई बोलिए, इनको इनको डाउन कीजिए, इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए, बोलिए जी, ताकि भाई बोलिए, जल्दी बोलिए। किसी के अंदर हिम्मत रही इस पे बात करने की? अच्छा, और पूरे देश की एकाग्रता को भंग किया जा रहा है, देश की प्रायोरिटीज को बदला जा रहा है, आज रुपया नीचे गिरता चला जा रहा है। अरे आप उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, समस्या यही है, नीचे जा रहा है, समस्या यही है, चर्चा कहीं होती है, चर्चा कहीं होता है। अदानी ने आपकी क्या राय है, प्रचार किया है जो मुख्यमंत्री का बयान है उसके बाद जो हिम्मत नहीं है उस पर हमारी पार्टी का स्टेटमेंट है। नहीं नहीं, यहाँ वहां पर पटकी है डिबेट को, यहाँ पर पटका इन्वेस्टर समिट ग्लोबल G20 हो गया। मेरा मुद्दा जो केवल ये है कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए है उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया जो आई है अलग अलग पार्टी के लोगों की, आपकी क्या राय, हमारी पार्टी क्या बोलती है? आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों की बात करती है। ये नेहायत ही बचकाना बयान है। अच्छा, बचकाना बयान है, हीन बयान है, तथ्यों से भरा हुआ। अच्छा, अभी कुछ देर से पहले आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था करेंसी पे लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दो, वो अच्छी बात थी क्या? देखिए, लक्ष्मी गणेश की फोटो तो इंडोनेशिया जो मुस्लिम राष्ट्र है, गणेश के भगवानों की मूर्ति फोटो लगी हुई है। अच्छा, तो करेंसी के ऊपर ये मत कहिए ना कि आप लोग धर्म बयान नहीं देते हैं, धर्म बयान आप भी देते हैं। देश के ऊपर 2014 से सूतक लगा हुआ है, जो ग्रहण लगा हुआ है, सूतक लगा हुआ है हमारी राष्ट्र चौरासे ग्रहण लगा हुआ है, सूतक लगा हुआ है। साफ दिखाता है कि आम अरविंद केजरीवाल जी का ये बयान नहीं, व्याख्या कर रहे उनकी बात का, आम आदमी पार्टी जी। अरे मैं बात पूरी कर लूं, बोलिए बोलिए बोलिए। आप ये अरविंद केजरीवाल का ये स्टेटमेंट साफ दिखाता है कि आम आदमी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी को साथ लेके चलती है, सभी अच्छा। के लिए आवाज उठाती है। अच्छा, हम भगवान राम का भी सम्मान करते हैं, ईश्वर अल्लाह का सबका सम्मान करते हैं, वाहेगुरु जी का सम्मान करते अच्छा, हैं, ठीक है। हम गौतम बुद्ध जी का सम्मान करते हैं, हम चले ठीक आगे बात आगे। सम्मान करते हैं जी, हम सबसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन झूठ मक्कार लोग, पाखंडी लोग, कौन झूठ मक्कार किसके लिए बोल रहे हैं, जो धन का आड़ में लेके अपना धंधा चला रहे हैं। अच्छा, उनके साथ कभी थे ना कभी रहेंगे, ठीक है। बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून को भारत के अंदर लागू करे रहेंगे, और जी मारे बाबा प्लीज, अभी आपके बात लूंगा, ठीक है, हो गया होगा, तकी भाई हो गया, तकी भाई हो गया। इस्लाम को पाखंडी कहूंगा, सारे कुरान को मानने वालों को और सारे मुसलमानों को पाखंडी कहूंगा मैं। अच्छा, अरे हो गया, अरे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ हाँ, माधव बाबा सफा उधर बैठे हैं, ये भी पाखंडी हैं। एक बात करते हैं, इसका पूरा खानदान पाखंडी। देखिए धीरेन्द्र भाई कुछ बोल रहे हैं आप, तो ठीक है, सुनील त्रिपाठी पर सफा भाई बैठे हैं, चलिए ठीक है। देखिए गौरव जी, ठीक है, हो गया, हम वनस्पति कर बोलेंगे, बोलिए गौरव जी, हो गया, मिलेगी ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया। सुनील त्रिपाठी बोलिए, गौरव जी जी, आज डिबेट आप करा रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया कि न बनाया जाए जी, इसी डिबेट हो रही है जी, लेकिन हमारे बनाया नहीं जाए, जो बयान आया, बयान आया, मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा जी, इस पे आप डिबेट करा रहे हैं जी, ये तो चर्चाएं कहीं और है, बिंदु कहीं और है। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पे राजनीतिक दलों को अपना स्पष्ट वर्जन देना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र पक्ष में है या विपक्ष में है। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है गौरव जी, सन 47 में पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन देश मुख्यमंत्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं की, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, बनाने की बात नहीं कही, नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र रहेगा, उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को हिंदू बोला, हाँ हिंदू बोला है जी। लेकिन ये बताइए, सन 47 से बंटवारा हुआ जी, तो धर्म के आधार बंटवारा हुआ, ठीक, धर्म के आधार पे पाकिस्तान की, पाकिस्तान का जन्म हुआ और उसे इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया गया? इसमें निश्चित रूप से उस समय कांग्रेस कहीं जरूर चाल रही होगी, या देश
दंगे की आग में जल रहा था। अच्छा, वो परिस्थितियां क्या रही होंगी गौरव जी, जो इतिहास से पन्नों हम देखते हैं जी, ना हम थे ना शायद आप होंगे उस समय जी। देश जिस आग से झुलस रहा था उसको शांत करने के लिए देश के दो हिस्से हो गए, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। ठीक, और वो इस्लामिक स्टेट बन गया, हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्म हाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन के रह गया। ठीक, तो उस समय इस बात को निश्चित रूप से कहना चाहिए था, अच्छी नहीं है क्या है? नहीं देखिए, जब बंटवारा हो सभी धर्मों को समान, नहीं वो बात ठीक प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है। देखिए गौरव जी, जी सभी धर्मों को हम सम्मान करते हैं, लेकिन सब धर्म हमारा भी तो सम्मान करे, सम्मान नहीं हो रहा क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, अरे सम्मान हो रहा हो तो रामायण जलाई जा रही है। अच्छा, आप देख रहे हैं मंदिर और पुजारियों के ऊपर ताने बोले जा रहे हैं। अच्छा, तो ये आप कैसे करके हम सम्मान आपको दे रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं। अच्छा, देश का बंटवारा हुआ था उस समय, जब बंटवारा आप घर करते हैं तो जो बंटवारे में जिसके हिस्से में आता है उसको वहां भेज देना चाहिए था, ये समस्या हमेशा खत्म हो गई होती। लेकिन जो परिस्थितियां हैं अब, कोई अगर सोचे कि हिंदुस्तान से मुसलमान को भगा देंगे, ये भी संभव नहीं है। अच्छा, मेरे हिसाब से। और ऐसी राजनीति जो वर्तमान में चल रही है गौरव जी, ये राजनीतिक दल देश को फिर बंटवारे की आग में झोंक रहे हैं। अच्छा, हमारा अपना मानना इस बात का है, कौन सा राजनीतिक दल है? सभी इस समय धर्म के नाम पे पूरे भारत में लोगों को बांटा जा रहा है, और वो भी पहले हिंदू मुसलमान बांटा गया, अब हिंदू को हिंदू बांटा जा रहा है। हम राम को नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री का जो बयान है कि हर देश का हर नागरिक हिंदू है, देखिए इतिहास तो इस बात का साक्षी बिल्कुल है, जो हिंदुस्तान में रह रहा वो हिंदू है जी। अभी हमारे भाई ने कहा, भाजपा के नेता ने, कि जो बाहर जाता है उसकी पहचान कैसे होती है। हम अगर कहीं चले जाएं गौरव जी, दिल्ली जाते हैं, यूपी भवन पूछा जाता है, भाई यूपी के हो? अच्छा, गुजरात के हो? भारत अच्छा, हमारा है, लेकिन अच्छा, फिर भी एक पहचान हमारे देश की होती है, हमारे क्षेत्र की होती है, जल्दी बोले हमारी जात की होती है जी। तो अगर देश में रह रहा आदमी तो हिंदू तो ही है, कैसे हिंदू नहीं है वो? अच्छा, क्योंकि यहाँ सब लोग रहते हैं, देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। मैं आपकी स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, एग्री नहीं करता। हर व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो भारतीय है, और उसकी भारतीय से पहचान होती है, इंडियन पहचान होती है। तकी जी ये बताइए, ये भारत में रहने वाला नागरिक नहीं, और भारतीय हिंदू हिंदुस्तान में अंतर क्या है? आप विद्वान आदमी है, मैं आपको सम्मान करता हूँ, आप जरा स्पष्ट कीजिए क्या इन दोनों में भेद क्या है? जैसे सनातन में हिंदू धर्म में जी, अरे सनातन किसको कहते हो आप? अच्छा, हिंदुओं तो मानता है। अच्छा, कोई मुस्लिम मानता सनातन को? अच्छा, सिख मानता सनातन को जी, या अन्य धर्म लोग मानते हैं? आप बताइए, आप तो विद्वान आदमी हैं, मैं आपकी सम्मान करता हूँ। देखिए जी, सनातन कौन मानता है? हिंदू तो मानता है गौरव जी, बताइए आप। बिल्कुल ठीक है, आप मुस्लिम है इस्लाम मानते हैं जी, हम क्रिश्चियन है तो हम अपना धर्म मानते हैं, लेकिन हिंदू और सनातन को भी बांटा जा रहा है। आप बताइए कि सनातन कहां से आया, हिंदू कहां से आया, और सनातन का अनुयायी कौन है? अच्छा जी, तकी भाई जल्दी आप बताइए कि देखिए रामायण के प्रकरण के बारे में जो भी घटनाएं हुई उसके मैं हमेशा मैंने उसको विरोध किया। आप इतनी भी डिबेट पे आए हो, मैंने हमेशा उसका विरोध किया। जी, किसी को अधिकार नहीं है कि आप किसी धर्म का अपमान करें, धर्म भाई हमारे वहां हो सकता है धर्म के अंदर सब सम्मान करें, और हमारे ठीक है बात आ गई, ठीक है। सवाल सर कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए भाई। भाई साहब मैं ये कहना चाहूंगा, सबके जवाब जवाब दीजिए, नितिन भाई की बात का जवाब दीजिए, सही मौन तकी क्या? देखिए तकी भाई ने, जैसे महाराज जी ने कहा कि जो कुरान है वो आसमानी किताब नहीं है। अच्छा, आपको बता दूं जी कि 124,000 नबी आए जी, कुछ नबियों को जी अल्लाह ने जी पूरी की पूरी किताब दी, उसको सहीफे कहा जाता था। अच्छा, जैसे मूसा अलैहि सलाम को किताब दी गई। अच्छा ठीक है, ईसा अलैहि सलाम को किताब दी गई, लेकिन जो हम लोग जो है इस्लाम को मानने वाले, हमारे उसमें अल्लाह ने समय समय पर जो फरिश्ते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके जरिए वही के जरिए वही भेजी। उसके बाद जब मोहम्मद साहब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, इस दुनिया से चले गए, तब उन सारी आयतों को इकट्ठा करके एक किताब बनाई गई। ठीक है, मुद्दे भाई है, मुद्दे पे मुद्दे जी। दूसरी चीज जो महाराज जी का बयान है जी, हिंदू राष्ट्र, अब अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा जी तो आप देखिए 14 के बाद बनने के बाद ही नहीं, नहीं, नहीं मैं हिंदू, देखिए भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा और हिंदू राष्ट्र है, इसी बात नहीं जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा, 14 के बाद मैं कहूंगा सनातनियों की सरकार आई है। अच्छा ठीक है, आप बताइए 14 के बाद अगर कहीं बम फूटा हो तो बताइए। अच्छा ठीक, आतंकवाद बढ़ा हो बताइए। आज कांग्रेसी सीना चौड़ा करके जाते हैं, अभी आपने देखा होगा कि एक यात्रा में गए थे लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए जी। ठीक है, क्या 14 से पहले क्या इन कांग्रेसियों की या किसी भी दल की हैसियत थी कि लाल चौक पर जाकर झंडा फहरा दे? अच्छा, किसी माई के लाल में अगर हिम्मत हो तो बताइए। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की देन है। अच्छा, कि आज जाते हैं लाल चौक पर झंडा फहराते हैं। अच्छा,
370 हटी तो आज देखिए अभी वो दिखा रहे थे वैज्ञानिक दिखा रहे थे अभी अभी कश्मीर के अंदर वैज्ञानिकों ने खोज की कश्मीर के अंदर मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका क्या नाम था वो बात करने किस तरह का पर्दाफाश दे रहे हैं अंदर नहीं था आश्चर्य हर साल कश्मीर के अंदर शुद्धकर के अंदर लाल चौक के दरवाजे स्टेडियम के अंदर अलग चुनाव पे 26 जनवरी 15 अगस्त लगातार मनाया जा रहा है तो मैं कहना चाहूंगा इस्लाम को मानने वाले हैं तीन तलाक पर कानून मगर बना तो सनातनियों ने बनाया जो शरीयत में नहीं था ठीक है ना सनातनी बनाया कि सरकार ने बनाया सरकार मैं सनातनियों की कहूंगा सनातनियों की सरकार है इसलिए इस देश में तीन तलाक जो अत्याचार होता था मुस्लिम महिलाओं पर उस पर कानून बनाया गया और एक नारा दिया गया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और 14 में सबका साथ हर व्यक्ति हिंदू है और वो अपने आप को हिंदू समझे हिंदू ना कोई जाति है ना कोई धर्म है ना कुछ है अच्छा ये हिंदू ये हिंद है अपना पुराना नाम इसका ये है और भारतीय जनता पार्टी का ये कर्तव्य है कि जो हमारी जो व्यवस्था है उस पुरानी व्यवस्था को चलिए ठीक है बात आगे इधर भाई आप बहुत ही मुस्कुरा रहे सफर भाई की बात पर कुछ बोल रहे थे आप नहीं मुस्कुरा नहीं रहे ये लोग कितने कंफ्यूज लोग हैं इस बात पर तरस आता है कि अभी हमारे साथ एक पत्रकार साथी भी कह रहे थे जी आप सर्टिफिकेट जारी करवा दो यार सरकार से मूर्खतापूर्ण बात करते हो जब भी देखो मुझे रह सेंटर पे आने मजबूर करते हो हम क्या मैंने पहला अपना परिचय दे दिया तुम किसके औलाद हो जी मोहम्मद हुसैन बोले दादा का नाम कल्लू खा सफर भाई प्लीज प्लीज सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति हिंद में पैदा हुए आप हिंद में पैदा हुए अरे मैं हिंद में नहीं पैदा हुआ हूँ आप हिंद में पैदा हुए आप भगवा उतार के फेंकिए आप भगवा पहने उतारिए अगर आप हिंद नहीं है अगर आप सनातनी नहीं है तो उसको उतारिए भारत के अंदर मिश्रा जो मिश्रा थे भारत के अंदर की राजनीति देशों से आए हैं अरे यार बोल चुके हैं कि वो सनातनी है कितनी बार बुलवाएंगे आप बोल चुके सनातनी है सुनो गौरव जी मैं बार बार कह रहा हूँ देखो तो मुझे रेसेंट टेस्ट में जाने के लिए मजबूर मत करो डिबेट को डिबेट के तरीके चलाओ भाई मैं कह रहा हूँ कि दो ये कितने कंफ्यूज हैं मैं कह रहा हूँ क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस देश को भारत नहीं मानते क्या ये लोग और ये संविधान को नहीं मानते और अगर ये संविधान को नहीं मानते हैं और इस देश को भारत नहीं मानते हैं तो मैं इनको राष्ट्रद्रोही मानता हूँ और राष्ट्रद्रोही के मुंह नहीं लगना चाहता हूँ अब बात आ जाए योगी आदित्यनाथ जी के बयान पर योगी जी ने कहा है संपूर्ण के लिए कि ये सनातन भारत का धर्म सनातन धर्म है ठीक है मैं इससे सहमत हूँ यहाँ और इन्होंने जो हिंदू कहा है हिंदू इन्होंने उसी को कहा संपूर्ण भारत के लोगों को हिंदू कहा है मैं इस बात से सहमत हूँ अगर वो भारत को हिंदुस्तान मानते हैं तो वो हिंदू कह रहे हैं वो अगर उसको पर्यायवाची शब्द मानते हैं तो ठीक बात है हम इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते अगर वो इस नजरिए से कह रहे हैं कि इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं तो ठीक है सबका सम्मान करिए फिर 80-20 की बात मत करिए इसमें फिर बंटवारा मत करिए उसको भारतीय कहने में क्या दिक्कत है जी बिल्कुल मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ गौरव जी कि इसको जिसको ये हिंदू बार बार कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ ये एक गाली है मेरे लिए अपमान का विषय है अच्छा। अगर योगी आदित्यनाथ को जो उनके दोस्त जंगली कहते थे हाँ। अगर जंगली कहा जाए तो बुरा लगेगा अच्छा। आज उनको योगी आदित्यनाथ कहने दीजिए तो अय्यर के साथ भारत उसको भारत कहो ना गर्व से इसको क्यों हिंदुस्तान कहना चाहते हो ये गुलामी की याद क्यों दिलाना चाहते हो कि हम गुलाम थे मुगलों के ये बात क्यों कहना चाहते हो हम तुर्कों के गुलाम थे ये बात क्यों कहना चाहते हो अंग्रेजों के गुलाम थे हम इंडिया है अरे हमारे देश का जो पासपोर्ट जारी होता है उस पासपोर्ट में भारत गणराज्य लिखा होता है कहीं हिंद नहीं लिखा होता है दूसरे देश में दुनिया के किसी देश में आप जाओगे तो हिंदुस्तान से आप पहचाने जाते हो या हिंदू से आप जाने जाते हो दुनिया के जिस देश में आप जाओगे तो वहां भारत गणराज्य से आप आए हो और अंग्रेज जब आप अब ब्रिटिशर्स जो गुलामी जो अंग्रेजों के गुलाम राष्ट्र हैं वहां जाओगे तो आप इंडियन कहलाते हो हाँ। इसके अलावा दुनिया का कोई देश आपको हिंदू नहीं मानता वो आपको भारतीय मानता है भारत गणराज्य आए हो ये मानता है एक बात और जो हमारे मित्र साथी पत्रकार कह रहे थे मैं उनकी बात को जवाब दे दूं कि वो बार बार हिंदू और सनातन कहते हैं और कहते हैं हिंदू ही सनातन है इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई विद्वान हो समझदार हो दुनिया में
दुनिया में सनातन धर्म जब था तो भारत विश्व गुरु था, जब से ये लोग हिंदू हिंदू करने लगे तो सनातन धर्म को आप अपमानित करके सबसे नीचे लाओ दुनिया में। सुनो मेरी एक बात, दुनिया में सनातन धर्म मान लोगे और गीता को अपनी सर्वमान्य पुस्तक मान लोगे, दुनिया आपके कदमों में फिर से सर झुकाएगी, फिर भारत विश्व गुरु बनेगा। गीता को ना तो इस्लाम को मानने वाला गलत कहता है, न बौद्ध गलत कहता है, न ईसाई गलत कहता है, न गुरु ग्रंथ साहब वाले सिख गलत कहते हैं। दुनिया सार्वभौमिक ग्रंथ है गीता, जो किसी को ना अपमानित करता है, ना किसी को गाली देता है, ना किसी का मजहब को बिगाड़ता है, ये दुनिया की सार्वभौमिक बात करता है गीता। ठीक है भारत को राष्ट्र रहने दो, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो और दुनिया में फिर से भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अगर आप बार बार हिंदू हिंदू कहोगे कोई मान्यता नहीं देगा। आप कह रहे हैं धन्यवाद जी। और गीता उठाए हुए थे, मैं उसी गीता से एक श्लोक बोलता हूँ जिससे सनातन धर्म का क्या व्याख्या किया है, हालांकि इनको पता नहीं होगा। अकलेत्य है, असोस्य है, पाखंडी पर बोले भाई नितिन भाई, पाखंडी पर बोले। ही सनातन है, मैं बोल रहा हूँ तुमसे बात की, मैं लिखा है जानने वाला ही सनातन धर्म। अरे सुन लो भाई, बोल रहा है कि आप लोग पाखंडी लोग, इस तरह बात मत करिए भाई आप लोग। अरे भाई ऐसा पता है क्या चक्कर है, बात दरअसल है कि इनके खानदान वही है, वही और गीता गीता उठा कर ले आए, लेकिन गीता कभी पढ़े नहीं होंगे। अब हमारा शैव और वैष्णव और जितना कुछ है सनातन धर्म के प्रत्येक अवयव से हमारा संपूर्ण संबंध है। हम कुछ नहीं जानते, निराचार जो जिस सनातन धर्म की ये बात कर रहे थे, उस सनातन धर्म के बारे में कहा गया अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो सो सेवच नित्य सर्वगत सारुण रोचलो सनातन है। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो कहने का तात्पर्य वह आत्मा ही सनातन है और उस आत्मा को जानने वाला सनातन धर्मी है। अच्छा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने गीता उठाई, क्या आत्मा को जाना? जी। जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, और भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्या मैं कैसे शांति पाऊं, तो भगवान ने कहा मुझे जान। उन्होंने कहा कि मैं तो आपको जानता हूं, तो भगवान ने कहा कि नहीं तू मुझे नहीं जानता, मेरे शरीर को जानता। क्या मतलब है गीता में, पहले तू अपने अंतरात्मा में मुझे जान। तीन प्रश्न भगवान ने दिव्य दृष्टि दी क्या है, और दिव्य दृष्टि देने दृष्टि देने के पश्चात भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को प्रदान की और अर्जुन ने दिव्य दृष्टि के द्वारा परमात्मा के प्रकाश स्वरूप को देखा और देखने के पश्चात मैंने आपके विराट रूप बोला। गीता में कितने अध्याय, कितने अध्याय बोल रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं, गीता में कितने अध्याय हमसे पूछ रहे हैं?
18 अध्याय है और 700 श्लोक है गीता में। बताइए कुरुक्षेत्र संभ्यता प्रारंभ होता है वहाँ पे जहाँ पे खत्म होता है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो भूतुर ध्रुवा नितिर मतिर मम। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि देव के तेईसवें श्लोक में क्या कहा है। नितिन यारा कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बाबा प्लीज। तेरहवें श्लोक में नितिन यारा कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जल्दी बोलिए। पांचवें अध्याय के 27वें श्लोक में क्या है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या है, एक बात नहीं बता पाएंगे जी। नितिन यारा कुछ पूछ रहे हैं आपसे, अभी मुंह 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 बना के रह जाएंगे और ये सब बताऊंगा गीता से, क्योंकि मैंने गीता पढ़ी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप साथ किया है, चलिए ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी, सैयद मोहम्मद तकी, ठीक है, तकी क्या बोल रहा है, आपको पता लगता कुछ है, मुस्कुरा रहे बहुत देर से, बोलिए जल्दी बोलिए। सैयद मोहम्मद तकी, एक मिनट आप बोलिए। हर व्यक्ति के पास अलग ख्याल है जी, और अलग तरह का डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर अपने मेडिकल साइंस के बारे में बता पाएगा। अच्छा अच्छा, आप साइंटिस्ट से पूछिए वो साइंस के बारे में बता पाएगा। अच्छा, इंजीनियर अपने इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में बता पाएगा। अच्छा, हर व्यक्ति के पास ज्ञान है, सब इनके पास ज्ञान है। मैंने कहा महादेव, मैंने तो ये कहा नहीं, मैंने महादेव बाबा को बहुत ज्ञान है, तो अपने धर्म से रिलेटेड ज्ञान है, धर्म के बारे में पढ़ा करते, गीता पढ़ा करते, ज्ञान है। लेकिन और लोग जो अलग सब्जेक्ट पढ़ा करते हैं उनको अलग सब्जेक्ट का ज्ञान है। अच्छा, महादेव बाबा को से अगर मेडिकल साइंस के बारे में कुछ पूछा है, शायद ये अरे मेडिकल साइंस में थोड़ा बैठे हैं भाई, वो साइंटिस्ट थोड़ी ना है, एमआरआई मशीन की डिटेल नहीं बता पाए, धर्म गुरु है भाई, तो धर्म लगे क्वेश्चन से हमको पूछ करेंगे। अगर आप संत नहीं है तो हम उसको आपको बताएंगे, क्योंकि वो हमारा संत और बाबा में बहुत अंतर होता है। आप ले जाए नितिन भाई, मिल जाए उसको, संत मत कहिए, संत नहीं बाबा है, बाबा है, ठीक है। तक भाई जल्दी बोलिए, बहुत बड़ी चीज होता है जी, बोलिए बोलिए तक भाई। गौरव जी मैं कह रहा हूं, भारत के लोगों की इतनी खूबसूरती है कि इसको हिंदुस्तान नाम जो है मुसलमानों ने दिया। अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, और भारत का इतना बड़ा इतिहास है, इतनी डायनेस्टी रही, इतने राजा रहे, मैं किसकी बात मानूं, इसको हिंदू राज नितिन भाई की बात मानूं कि आपकी बात मानूं, हिंदुस्तान का कि कौन किसका नाम दिया, हिंदुस्तान का तो मुसलमानों ने कहा। अच्छा, कितना सम्मान की बात है, प्रेम की बात है। अच्छा, कि पहली बार हिंदुस्तान लफ्ज इस्तेमाल किया है, पूरे इतिहास उठा देख लिए। अच्छा, वो मुसलमानों ने भारत को हिंदुस्तान का। अच्छा, हिंदुओं का अरे आप तो पूरी हिस्ट्री लेके आए, ये बताइए जो मेन मुद्दा है उस पर आपकी आखिरी कमेंट क्या है, जल्दी बोलिए, समय कम है, एक मिनट। देखिए जी, फालतू अकल मुझमें कभी थी नहीं, मजहबी बहस मैंने की नहीं। अच्छा, मैं चाहता हूँ इस अगर हिंदू राष्ट्र हो या कोई राष्ट्र हो उसका उद्धार हो, भारत दुनिया का सबसे अच्छा राष्ट्र बने, आपकी बात, सब कुछ इच्छा मिले, विश्वास मिले, सबकी सुरक्षा हो, सबकी तरक्की हो, सब आगे बढ़े। गौरव जी बहुत अच्छा, तकी भाई बोले, अभी भारत एक महान राष्ट्र बन पाएगा। मैं सपा प्रवक्ता से एक बात कहना चाहता हूँ कि इसी रामायण को लेकर के जो उसमें आपको कुछ बुरा भी लग रहा है। हाँ। और साधु संतों पर आप टिप्पणी भी कर रहे हैं। अच्छा, तो आप तुलसीदास के रामायण को मानते कि नहीं मानते हैं, मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे मानते तो है, कहते हैं नहीं, अभी आप मानता हूँ, अगर आप मानते हैं तो एक सब लोग मानते हैं, नहीं तो फिर टिप्पणी करने वाले भी मानते हैं, आपके आपके पार्टी के नहीं, तो लेकिन आपके सहमति से लोग प्रतियां जला रहे हैं रामायण की। अच्छा ठीक, तो मेरी सहमति से कोई प्रतियां नहीं जला रहा है, आपकी नहीं, अखिलेश जी की, आपकी पार्टी की, नहीं नहीं देखिए आपकी पार्टी की तो लोग सहमत है इस बात से, नहीं तो अब तक स्वामी प्रसाद मोरा जी को क्यों नहीं टांगा, अगर रामायण टिप्पणी किया उन्होंने, इससे तो आप रामायण में टिप्पणी नहीं की है, आप गलत बात कर रहे हो, उन्होंने उस लाइन पर टिप्पणी की है, लाइन की लाइन मेरे भाई मेरी किताब में नहीं लिखी है, वो भी एक रामायण में, रामायण की एक चौपाई है, और जिसको आप पढ़ रहे हैं। गौरव भाई, गौरव भाई, मुझे एक मिनट इनका जवाब देना है, कौन साथी बोल रहे थे उनका परिचय करा दो, सुनील त्रिपाठी हूँ, सुनील त्रिपाठी भाई मेरे भाई, एक बात सुनो मेरी बात, सुनील त्रिपाठी भाई आपके आपके एक सनातन धर्म के बहुत बड़े गुरु हैं राम भद्राचार्य जी, राम भद्राचार्य ने कहा है, क्या मतलब होता है राम, आप इस्लाम में हैं, हम हिंदू है, आपको शर्म नहीं आ रही, आप अपने धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, हम जो है जंगली बता रहे हैं, समय कम है, आपको शर्म नहीं आती है अपने आप को सनातनी कर रहे हो जी, हमारे भगवान ने दिल्ली में एक बयान में कहा कि आदम अलैहिस्सलाम घर वापसी की तरफ की बात कर रहे हैं, सुनील भाई से बात करने दो, आखिरी कमेंट आखिरी कमेंट प्लीज प्लीज बोले 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 तेरे जल्दी, अब आखिरी कमेंट मेरा सुन लीजिए, आप योगी जी को गली बता रहे हैं, इस मूर्ख आदमी बंद कराओ, मेरा आखिरी कमेंट ले लो, आप मूर्ख हो,
आप अपने धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? सवाल प्लीज प्लीज आप सार्वजनिक चैनल पर आखिरी 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 कब शर्म नहीं आती? गौरव जी एक लाइन में हमें बोल रहे हैं, आपकी धर्म नहीं आती बोल रहे हैं सबको। भारत को जैसे सुनिए, भारत मानना पड़ेगा आपको। हिंदुस्तान कह रहे हैं, भारतीय को हिंदू कह रहे हैं तो कोई बयान में खराबी नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर वो भारत को हिंदुस्तान मान रहे हैं और हर भारतीय को हिंदू कह रहे हैं तो सत्तर खत्म हो गया। भारतीय मान रहे राम मंदिर नहीं बन सकता, राम मंदिर बन गया, इसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई रोक नहीं सकता। बैठ जाओ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म गुरु किसी भी जाति धर्म के हो, कम से कम अपने धर्म गुरुओं का अपमान करना चाहिए। योगी महाराज जी को आप जंगली संतों के ऊपर वही है तो अगर ये हमारे भगवान ने अभी दिल्ली में बयान दिया कि आदम ओम का उच्चारण करते थे क्योंकि आपको माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद, हो गया, सबकी बात आ गई, सबकी बात आ गई, सबकी बात आ गई, हो गया। सपाल भाई प्लीज, आप सभी मेंबर्स करके में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी जिस तरह से इस समय धार्मिक बयानबाजी चल रही है। खैर, मुख्यमंत्री की बात अलग है, उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हिंदू किसी संप्रदाय और धर्म को विशेष प्रेजेंट नहीं करता, एक सांस्कृतिक शब्दावली है और भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर फिट बैठती है। और अगर भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर अगर हिंदू कहा जाए तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आर्मी कहीं जाता है भारत का तो उसको वहाँ पर हिंदू ही बोला जाता है। पर उसके बाद से जिस तरह लोगों की प्रतिक्रिया आई और जिस तरह आज चर्चा हुई, स्पष्ट करती है कि मतों पर हम एक नहीं हैं, हमारी जानकारी अपूर्ण है, क्योंकि हर एक व्यवस्था का, हर एक व्यक्ति का अपना अपना मत है। कोई की विश्वास कुछ है, किसी के विचार कुछ है, और कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। फिलहाल धर्म सबसे बड़ा एक ही है, वो है मानवता का धर्म। उस धर्म को चलते हुए व्यवस्था को बनाए रखिए। हमारे देश में तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पर काम होना अभी बाकी है। अगर वास्तव में चाहते हैं भारत विश्वगुरु बने तो इन मुद्दों से अलग जनता के मुद्दों पर बात हो, इन मुद्दों से अलग जनता के मुद्दों पर संघर्ष हो, इन मुद्दों के अलग जनता के मुद्दों पर टकराव हो, तो शायद बेहतर पहल होगी। क्योंकि अगर जनता के मुद्दों पर टकराव करेंगे तभी बेहतर भारत का निर्माण कर सकेंगे, बाकी इस तरह के मुद्दों से कोई बेहतर पहल नहीं होने वाली है। देश में व्यवस्थाएँ चलती हैं, चलती रहेंगी, और जो मुद्दे हैं उनकी अपनी गरिमा है, मुद्दों की व्यवस्था है, और अगर उल्लेख करेंगे तो शायद उन मुद्दों का एक विचार भी है और एक स्थायित्व भी है। स्थायित्व को बनाए रखिए, और अगर वास्तव में बात करना है तो जनता के मुद्दों की करिए, बाकी चर्चाएं चलती रहेंगी, अभी भी हैं और हमेशा की तरह। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।